अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कुछ दिन पहले मैंने ये अम्ब्रेला पाम की कटिंग लगाई थी तो फिर मैंने रख दी थी, तो अब उसकी अपडेट मैं देने वाली हूँ। ये देखें, अब उसकी कटिंग लगाने का हमारा टाइम आ गया हुआ है और ये देखिए हम लगाने लगे हैं। अब इसका करना क्या है कि कौन सी मिट्टी में लगानी है, इसमें मैंने कोई अभी खाद नहीं डाली है, कोई चीज नहीं डाली है। इसमें मेरी बाल मिट्टी है और थोड़ी सी मेरी गार्डन सॉइल है, क्योंकि अभी मैं कटिंग इसकी लगानी है तो इसलिए इसमें अभी कोई खाद नहीं डालूंगी जब तक इसकी जड़ें लंबी नहीं हो जाएंगी, ये मिट्टी शादी को पकड़नी लेंगी। तो इसको बिल्कुल सॉफ्ट मटीरियल में मैं लगा रही हूँ, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट मटीरियल है इसका, तो इसमें इसलिए मैंने इसकी कोई वो केमिकल नहीं इसमें मिक्स किया। अब इसकी कटिंग करने का और इसका लगाने का तरीका क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब माशाल्लाह इसके देखें, ये भी बेबीज निकल रहे हैं। अगर पानी में कुछ देर रखी रखती तो ये अच्छे खासे ये प्लांट तैयार हो जाने थे। ये देखें आप इसका बेबी देखें और इसका ये देखें आप रूट देखें, माशाल्लाह ये देखें। इसको हफ्ता लगा है इसमें ग्रोथ करने में, पानी में सारे ये देखें, ये सारे हटा दें आप, इस तरह हटा के ये पत्ते सारे हटा देने आपने। ये ख्याल रखे कि ये रूट ना इसकी टूटे, रूट नहीं तोड़नी आपने, ये पत्ते हटाने हैं बस, इस तरह ये हट गए पत्ते सारे, ये देखे। अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी हल्दी फेंक लेनी है, ये देखे ये थोड़ी सी आधी चम्मच हल्दी ये होगी इसके अंदर मिक्स, ठीक है। और ये हमने प्लांट पकड़ा, इसी तरह इसकी ग्रोथ पकड़ी। आप चाहो तो ये इतना काट सकते हो, जब ग्रोथ हो जाएगी तो ये पूरा खुद ही निकल जाएगा। यहां से ये पकड़े, ये देखें इसको इतना हॉल बनाना है कि इसकी रूट इतनी नरम है कि हमने इस तरह रखनी है, इसको दबाना दबाना नहीं है। यहाँ ये रूट रखी, ये देखें इस तरह, और ये दबा बस यहाँ, ये देखें हल्के हाथों लगाना है, हल्के हाथों, ये देखो ये लग गया इसका। ये पौधा मैंने बाहर निकाला और इसी तरह मैं ये लगा दूंगी, ये देखें इसी तरह सारे हटा के। इनको ना कैंची से भी आप काट सकते हैं, हल्के हल्के इसकी जड़ों को छोड़ते हुए इसको कैंची से ऐसे काटते जाएं, इस तरह सारा काट दें। ये जड़ को बचाते हुए इस तरह आप तो यहां से काट दें ऐसे, इस तरह। ये देखिए ज्यादा नहीं दबाना, ये मिट्टी के ऊपर ऊपर ही रखना है। ये देखो यहाँ से, ये देखिए ये जड़े हैं इसकी, हल्का सा इधर ऊपर रखें और यहाँ से दबा दें बस इसको ऐसे, और ये जो है ये ऐसे काट दें थोड़ी बस। अच्छा इसकी जड़ नहीं निकली है, एक आधी निकली है, आप इसको इस तरह कर सकते हैं ऐसे करके ये काट दें आप, ये देखिए छोटी छोटी रूट्स निकली हुई हैं, इसको भी हम इस तरह हल्का सा दबाएंगे तो चले। अच्छा ये देखें कि मैंने सारे इसके बेबीज लगा दिए हैं, तो पानी में रखा था मैंने, पानी के बाद अब ये देखें कि इसके ये वाली आप चीजें बाहर रखनी है, ये देखें। और इसकी पूरी डिटेल मैंने इसकी मेडिसिन के साथ मैंने पहले इसके वीडियो बनाई हुई है, मैंने अपडेट इसकी देनी थी ताकि आप इसको आराम से लगा लें। आप अगर पसंद करते हैं ना कि कोई पानी वाला पौधा हो तो ये पानी को सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला पौधा है, इसके अंदर मॉइस्चर बना रहे तो ठीक रहता है, अगर इसके अंदर मिट्टी खुश्क हो जाए तो ये पौधा अपने आप को सुखाना शुरू कर देता है, बीमार हो जाता है। तो इसमें पानी अगर आप कहें कि पानी कम नहीं होना चाहिए इसमें यह है कि अभी तो इसके रूट छोटे छोटे हैं, मिट्टी को बिल्कुल हल्के हाथों रखते हुए हल्का सा ऐसे करें, इसलिए पास करके वीडियो बता रही हूँ आपको। ये देखिए इसके मैंने ये बाहर रखे हुए हैं, देख रहे हैं आप, ये देखें ऐसे ऐसे करके आप सीधा रखें, ऐसे हल्के हाथों दबाएं आप, हल्के हाथों काम करें ताकि इसके बिल्कुल रूट्स नरम नरम हैं तो इसको कोई मसला ना बने। ये देखें इस तरह सारा हल्के हाथों ऐसे करके हल्का हल्का दबा दें, इसकी मिट्टी मैंने बिल्कुल नरम ली है, ये देखें। आप भी इसकी कटिंग कहीं से ले आते हैं तो पानी में रखें, दो तीन हफ्ते इसमें पानी बना रहने दें, इस तरह ये देखें पानी, इसके पानी के अंदर इसने ग्रोथ की है, कोई इसको मसला नहीं बना, इसके ग्रीन पत्ते रहे हैं, एक आधा पत्ता इसका गला है, बाकी सारे इसी तरह ही। और इसको लगाते हुए इसकी ये टहनियाँ काट दें
तो ये आपको मैंने तरीका बता दिया है, अब आप भी इसको बचा सकते हैं, इसके बेबीज भी लगा सकते हैं, इसको पानी में भी लगा सकते हैं। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी अपडेट आपको किस तरह की लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।